वाह, कितनी प्यारी फोटो है। शाबाश मेरी बच्ची। बेटा, अगर मैं हूं तो इस आदमी की फोटो मत बनाया करो साथ में। मैं इसे पहचानता हूं। क्या कह रहे हो तुम? तुम जवानी में ऐसे लगती थी। बेवकूफ। ये कौन है? यही बात मानूर है। बेटा, तुम्हारे पास ये फोटो रखी थी। चलो थोड़ा तरबूज खा लो, आ जाओ। ऐसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। बस करो बसरी। मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसे देखा है। अब ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम बसरी? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसे देखा है। तुम गलत समझ रहे हो, ये वो नहीं हो सकती। थी तो यही लड़की, शादी के हॉल में देखा था। बसरी, कोई गलत फहमी हुई होगी। ये फातिमा नूर है, कादिर की फातिमा नूर। नहीं, ये वही है, मैंने इसे देखा है। इस फोटो को एक बार फिर से देखो जरा। अब वो खुद रिजाइन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो वही बात है कि हम किसी मरते हुए को कैसे बचा सकते हैं। टीचर, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। तासिन टीचर वैसे भी रिटायर होने की उम्र में है, और इतने डिप्रेशन के बाद भी उनसे यहाँ काम करवाना ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि उन्हें अब तकलीफ देना ठीक नहीं होगा। मिस्टर तासिन को थोड़ा आराम करने देना चाहिए, तब तक दूसरे म्यूजिक टीचर को रख लेते हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तब उनसे बात कर लेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है, उस दिन वो आई थी ना, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। ठीक है, उनसे मिल लेते हैं। उनसे बात करके आपको बताता हूँ। मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते बहुत से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, बात तो सही है। हमें कादिर को बताना होगा। लेकिन मेरी बात सुनो बसरी, बिना पुख्ता सबूत के कहीं तुम गलत हो तो। वैसे भी वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आया, हम उसे दोबारा संभाल नहीं पाएंगे अगर कुछ गलत हुआ तो। ठीक कहा तुमने, मैं पहले पता करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये वही लड़की है। हाँ? ये लड़की उस दिन शादी के हॉल में थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच्ची हमेशा फातिमा नूर की फोटो बनाती है। ये ऊपर वाले का चमत्कार है, इसकी अंतरात्मा गलत नहीं हो सकती। बस उस लड़की को ढूंढो। मैं वादा करता हूँ उसे ढूंढ लूंगा। अगर फातिमा नूर जिंदा है, ऊपर वाले ये तो गजब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मर चुकी है। बसरी को ऐसा झूठ भला क्यों बोलेगा? मुझे नहीं पता। उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा? ओ नहीं, वो कहां होगी, किस हाल में होगी वो? हेलो मिस फातिमा नूर। हाँ बोल रही हूँ। बात यह है कि मैं ईटन कॉलेज से बात कर रहा हूँ। आपको अगर याद है तो हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आपको कुछ याद आया? जी हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मिस फातिमा नूर, हमने आपका सीवी देखा है और हमें लगता है कि आप इस जॉब के लिए फिट है। अगर आप कल आ सकती हैं तो हमें मिलकर आगे की बात बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मतलब कल मेरी शादी है। ओह, कोई बात नहीं, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करते हैं, मैं शादी के बाद शुरू करती हूँ, मतलब मैं टीचिंग मंडे से शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं मंडे से फाइनल कर देता हूँ। अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू सून। अहमद, बताओ किसका कॉल आया था? वो ज्यादा बोलने वाला प्रिंसिपल याद है तुम्हें? उसने मुझे मंडे को बुलाया है। मैं इटली वाली बात सोच रही थी, मतलब क्या हमें वहां जाना चाहिए? अहमद, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम कितनी खुश हो उनका कॉल आया इसलिए, और अब हम साथ में काम करेंगे, है ना? हमें अब इटली जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें नए टीचर की जरूरत नहीं है, किसी ने रिजाइन किया है कह सकते हैं,
लेकिन मुझे लगता है ये उनका फैसला है। खैर, हमारे लिए तो गुड न्यूज है। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। क्या हुआ सर, आपको शादी की तैयारियां नहीं करनी है? वो मेरा दिल नहीं किया अपने स्टूडेंट्स को किसी और टीचर के भरोसे छोड़कर जाने का। आखिर उन्हें अच्छा बनाना मेरा फर्ज है। वो तो है। मैं जल्दी चला जाऊंगा, मैं आपको इनविटेशन देने आया था और तहसीन टीचर को गुड बाय भी बोलना था। शायद उनके लिए ये सही भी है। उनकी जगह किसी को ढूंढ रहे हैं। ये तो होता ही है, एक दिन सबको जाना होता है। मेरी तहसीन टीचर से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो थक गए हैं। वैसे वो सालों से काम कर रहे हैं, पता नहीं उनकी उम्र में मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। आप सही कह रहे हैं, पता नहीं, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन शायद यही सही है। हाँ, ये लीजिए। ये क्या? ये बहुत मुश्किल है ना टीचर। पापा? हाँ बेटा, कैसे हो मेरा बच्चा? शायद तहसीन सर की बेटी आ गई है, उन्हें हेलो बोल देते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। अरे नहीं मॉम, ये सबरी अपनी हरकतों से बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम, वो भाई बहन ऐसा ही हो। ओ, कॉफी पी जा रही है हा? तुम्हें भी पीनी है क्या, बताओ? नो थैंक्स मॉम, थैंक यू सो मच। दिखाओ दिखाओ तुम। तुम तो बहुत चमक रही हो बेटा। मॉम, आज बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या हुआ, बताओ हमें। वो मैं अहमद के स्कूल गई थी, याद है? मुझे वो जॉब मिल गई है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। मैंने कहा था ना, तुमसे अच्छी टीचर उन्हें मिल ही नहीं सकती थी। कांग्रेचुलेशन। तुम्हारे पापा को बताया तुमने? पापा को हम बाद में बताते हैं ना मॉम, प्लीज। क्यों, पापा को क्यों नहीं बता रही हो तुम? उन्होंने कहा कि हम इटली जाएंगे। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है। तो उन्हें हम अभी नहीं बताते, ओके? तुम जाकर ऑफर साइन कर दो, फिर आगे देखते हैं हमें करना क्या है। ओके मॉम। बहुत अजीब बात है, वो जिंदा है या नहीं है? अगर नहीं तो उसे दफनाया कहां गया है? अच्छा अच्छा, शुक्रिया। हाँ, मैं बताता हूँ, उसका नाम फातिमा नूर गुजेल है, वही है फातिमा नूर गुजेल। हाँ ठीक है ठीक है, उसकी माँ और बाप का नाम इस कागज पर है। मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे मेहमान हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं। वो भले ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है तुम नाराज हो मेरे रिजाइन करने से। तुमने कल कहा, मैंने सोचा उस बारे में। आप सही कह रहे थे कादिर टीचर, आप बिल्कुल सही थे। मुझे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को आप जैसे अच्छे टीचर्स के हवाले छोड़कर जा रहा हूं। मुझे मुझे पूरा यकीन है आप पर। बेटा, मुझे दुआओं में याद रखना, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। जरूर सर, मेरी दुआ आपके साथ है सर, गुड बाय। चलिए पापा। आप सभी याद रखिएगा मुझे। जी बिल्कुल। वो आ रहे, आ रहे। हमें आपका घर है, हमें आपका घर है।
कदिर, मैं लेट तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, वो अंदर है, डॉक्टर तुमसे बात करना चाहती है। आओ बैठो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं रहने दीजिए। मेरा बच्चा, ओ मेरा बेटा, प्यारा बच्चा। मेहमत कादर अंदर आइए, वहां चलकर बात करते हैं। ओके। चलो बेटा आप यहीं बैठो। मिस्टर मेहमत, सुकरान में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है उस ट्रॉमा के बाद, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं कह सकती हूँ कि सब कुछ ठीक है। हम कुछ नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। सुकरान एक बहुत खुशनसीब बच्ची है, उसके पास प्यार करने वाले पापा जो हैं, और प्यार सब कुछ हील कर देता है, यकीन कीजिए। सच कहूं तो सुकरान के केस में मुझे बहुत उम्मीदें हैं। सुकरान के लिए जो कुछ भी कर सकती हूं मैं सब कुछ करूंगी, और आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वो बच्चे बेशक खराब हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। सच बताऊं तो मैं भी उनसे खुश हूं। मतलब पहले उन्हें किसी से मतलब नहीं था, लेकिन आज जो उन्होंने किया वो बहुत ही अच्छा था। उन्हें घर लाकर तुमने अच्छा काम किया। तहसीन अच्छे आदमी है। हाँ सच में अच्छे आदमी है। उनसे बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी दीदी जो कहती थी, आप जो कहते थे, मतलब आसान नहीं है किसी को बुला देना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये तब समझ गया जब उनकी वाइफ की ग्रेव पर हम गए। सच का सामना मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी फातिमा नूर की ग्रेव पर जाना चाहिए। ओ शाबाश मेरी बच्ची, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। हाँ हमें एक ही दिन में भूल गई तुम। हाँ चलो जाकर एक चम्मच लेकर आऊं। जाओ जाओ लो खाओ, पेट भर के खाओ। बहुत दिनों बाद आज खाने में स्वाद आ रहा है। मैंने कई दिनों से खाया नहीं है, ठीक से सोया भी नहीं हूं। खैर अब सब ठीक हो जाएगा। और जब मेरी बच्ची बोलेगी, उसकी आवाज में सुनूंगा, तब और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा। शाबाश मेरी बच्ची। चलो बैठ जाओ, बैठो बैठो। ले आई चम्मच। बच्चा खाओ खाओ। नहीं मतलब उन्हें थोड़ा आराम देकर वापस बुलाना ठीक नहीं है। वो ठीक होकर फिर से हमारे साथ काम कर सकते हैं ना। और मैंने उन्हें फायर नहीं किया है, उन्होंने खुद रिजाइन किया है। उन्हें स्कूल से इस तरह जाते हुए देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। तुर्कान, सच कह रही हूँ। तुम कादिर टीचर की हर बात को इस तरह दिल से क्यों लगा लेती हो, समझ में नहीं आता मुझे। मैं ऐसा क्यों करूँगी तिजैन? वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत किया। ठीक है तो एक बात बताओ मुझे, आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि कादिर तुम्हारी बात को मंजूर करते हैं या नहीं? चलो भूल जाओ इन सारी बातों को। क्यों ना हम मिलकर कोई रोमांटिक मूवी देखें? क्या कह रहे हो तुम बसरी? ऐसी कोई खबर नहीं मिली, हर जगह पूछ लिया, उसके मरने की कोई खबर नहीं है, उसके नाम से कोई भी खबर नहीं, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं उसके घर जाकर कल उसे देखूंगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने सब सामान रख दिया है दीदी। चलो बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो 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 अब चलते हैं। चलो सोने का वक्त हो गया। चलो आ जाओ। चलो मेरी प्यारी बच्ची। बहुत अच्छा है ये, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अच्छा तो है, आप शर्ट को फिर से आयरन कर देंगी मॉम? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं। आप रो रही हो मॉम?
हाँ रो रही हूँ। ऐसा कोई नियम है क्या कि दूल्हे की माँ नहीं रो सकती? आपके नए कपड़े कहाँ पर है? प्लीज आप पहन लीजिए उन्हें। तुम्हें क्या करना है मेरे कपड़ों से? दिखाइए मॉम आप क्या लाई है। मैंने जहाँ बोला था वहाँ गई थी ना आप? गई थी लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। दिखाइए मॉम क्या लेकर आई हो। वैसे भी कल देख ही लूंगा मैं। उस जगह मेरे साइज का कुछ नहीं मिला, मुझे दूसरी जगह से मिल गया। ये रंग तुम्हें पसंद है ना? मॉम भाई यहाँ आया है ना? बेटा उन्होंने तुम्हारे भाई को धोखा देकर उससे कुछ साइन करवाया था, पर अब वो बोल रहे कि पैसे नहीं दिए तो उसे मार डालेंगे। मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए और मैं क्या करती? तुम्हारा नाम अमर है, मेरे दिल के जख्म भर नहीं सकते। दिल बहुत रोता है, मेरी आत्मा मुझसे अलग हो गई है। अब मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, यही मेरी जिंदगी है, शायद यही जहन्नुम है। फातिमा नूर। अरे मॉम आइए ना। कुछ हुआ है क्या? नहीं मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। बताइए ना। मेरी बेटी पिछला कुछ वक्त तुम्हारे लिए बुरा रहा है। तुमने बहुत कुछ झेला है और शादी एक बहुत ज़रूरी फैसला होता है। और फातिमा नूर अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो या फिर तुम्हारे मन में कोई भी डर या शक है तो तुम अभी भी मना कर सकती हो बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है मॉम, मुझे पता है, पर मुझे लगता है अहमद मुझे खुश रखेगा। मॉम आप चिंता मत कीजिए, मुझे पक्का यकीन है। ओके मैं नहीं चाहती तुम हमारी खुशी के लिए अपना फैसला लो, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मैं खुश हूँ मॉम, सच में। सेना ये लड़की कहाँ है? फातिमा नूर, फातिमा नूर जल्दी करो। हाँ हाँ आ रही हूँ। एक घंटे से आ रही हो तुम, जल्दी चलो। सब कुछ हो गया है ना? हाँ सब कुछ हो गया, तुम आ जाओ। क्या हुआ, किससे मिलना है आपको? नहीं बेटा किसी से नहीं मिलना। ठीक है। जाने से पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूं मॉम।
क्या मैं शादी में चल रही हूँ बेटा? इन कपड़ों में कैसे? आप मेहमानों से बिल्कुल भी ऐसे नहीं मिल सकती। इन कपड़ों में क्या खराबी है? बात ड्रेस की नहीं है, आपकी है। बात को समझो प्लीज। मैं आपका कार में इंतजार करता हूँ, ठीक है? देर मत करना, जल्दी आना। इसे रखो बा, खींचो ऐसे। इसे भी पानी दो। चलो मालियो, चाय तैयार है। शाबाश बेटा, इन्हें भी पानी दे दो। ओके, आइए भैया। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। सुकरांत, चलो तुम्हारे हाथ धुला देती हूँ बेटा, और बसरी अंकल को भी चाय पीनी है। चलो। अच्छा कादिर, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए भैया। कादिर। क्या बात है भैया? फातिमा नूर मरी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल जिंदा है। मैंने उसे शादी के हॉल में देखा, तब मुझे पता नहीं था कि वो फातिमा नूर है। आप ये क्या कह रहे हैं? कादिर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम्हारी बेटी ने उसकी फोटो दिखाई, मैं देखते ही समझ गया था। मैंने ऐसे को भी बताया, लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं था। तुम्हें बताने की हमारी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने खोजने की ठान ली। उसका एड्रेस पता किया, बेकोज में घर है। मैंने उसे देखा है, वो बिल्कुल मेरे सामने कार में बैठी थी। तुम्हारी मॉम आ रही है ना? मेरी मॉम नहीं आ पाएगी फातिमा नूर। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम चिंता मत करो। देखो, हम शादी डिले कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। देखो, तुम कह रहे हो कोई प्रॉब्लम है, कहीं मुझे लेकर तो नहीं? फातिमा नूर, मैंने कहा ना वो नहीं आएगी। तुम इसमें इतना तमाशा क्यों कर रही हो? बात खत्म करो। अहमद, ओके ओके ओके, ठीक है। अहमद रास्ते में ही है, लेकिन उसकी मॉम नहीं आ पाएंगी, कोई प्रॉब्लम हुई है उनके साथ। एक और प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे भैया गहने भूल गए, अब उन्हें लेने गए हैं। तो तुमने उसे गहने क्यों दिए सनाए? तुम्हें पता है वो कितना लापरवाह है। अरे मॉम, मुझे लगा था कम से कम दो ब्रेसलेट तो संभाल लेंगे। अब बस वो जल्दी आ जाए, ऐसे ओकेजन में हमेशा लेट करता है वो। पता नहीं, बोल तो रहे थे जल्दी आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? रुको, जी सर। सर, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। अंदर कहाँ जा रहे हैं आप?
कादिर। फातिमा नूर कहाँ है? कादिर, फातिमा नूर मर चुकी है। झूठ मत बोलो। मुझे पता है वो जिंदा है। कहाँ है फातिमा नूर? वो यहाँ नहीं है। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हारे घर आया था नियात, तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ कैसे बोल दिया? मेरे पापा की वजह से अब बहुत देर हो गई है कादिर। फातिमा नूर होटल पहुंच गई होगी। फातिमा नूर, तुम तैयार हो? मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा सा और टाइम दे दो प्लीज। एक भी चीज सही कर देते तो मुझे खुशी होती। वो आदमी पागल हो गया है, मुझे मार डालता हूं। गुड इवनिंग पापा। पापा, अंदर जाना है। क्या चल रहा है वहां? मेरे प्यारे मेहमानों,
फातिमा नूर गुज़ेल और अहमद अर्गुनलून की शादी में आप सबका स्वागत है। जल्दी जाओ कादिर, मैं संभाल लूंगा। मिस फातिमा नूर गुज़ेल, क्या बिना किसी दबाव के मिस्टर अहमद अर्दगुल को अपना पति स्वीकार करती हैं? Terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, ben de bir sandal, devrilip batmışım, boğulmuşum ben. उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझ पे अटैक कर दिया था। हमारी नाक मत कटवाओ, बहुत इज्जत है हमारे यहाँ पर। फातिमा नूर, ये देखो किसी ने इतनी प्यारी हनीमून बास्केट भेजी है। सुले, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ, कंपटीशन से डर गए क्या तुम? मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, समझी तुम? तेरा डंग दाए बुल्ले बा